सच साहस सरोकार। जांजगीर में बीमा धारकों के हित में उतरे कांग्रेसी, कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर लगाए नारे। जगदलपुर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, 75 जोड़ों का कराया गया सामूहिक विवाह। जगदलपुर में योग विज्ञान शिविर का आयोजन, शिविर में रोगों के निदान के लिए किया गया योग। बलौदा बाजार में रंग रोगन के लिए निकाले गए हजारों रुपए, फर्जी बिल लगाकर निकाले गए रुपए। रायपुर में पत्थर से टकराई बस, बस चालक समेत 21 यात्री घायल। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। अंबिकापुर में भाजपा 12 लाख आवास को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रही है। इधर सरगुजा संभाग के मोर आवास मोर अधिकार के प्रभारी भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितने भी सरगुजा संभाग में 12 लाख आवास प्रतीक्षा सूची में लंबित हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द आवास विहीन हितग्राहियों को पक्का मकान देने का अनुरोध किया गया है। गांव में गए तो हम लोगों को समझ में आया कि सभी गरीब जो वंचित हितग्राही है, उनको अपने अधिकार के प्रति वो लोग जागरूक हैं। उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपने फॉर्म हम लोगों के साथ भर करके अपना आवेदन हम लोगों को दिया है। मुख्यमंत्री जी को आने वाले 15 तारीख को विधानसभा का घेराव करके हम सब लोग हर एक पंचायत से कम 10 वंचित हितग्राही जाएंगे और बड़ी संख्या में जा करके 1 लाख से ज़्यादा लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता जयका हमसे जुड़ेंगे। जयका, आवास को लेकर विधानसभा का घेराव करने का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आपको बता दूं मयूर मैम कि ये प्रदेश भर में जो मोर आवास मोर अधिकार के तहत भाजपा विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर आवास विहीन हितग्राहियों से मिलकर उन्होंने आवास दिलवाने का भरोसा दिलाया था, जिसको लेकर 15 तारीख को भाजपा कार्यकर्ता 15 मार्च को आवास घेराव करने की बात कह रहे हैं। जी धन्यवाद जयका हमसे जुड़ने के लिए। जगदलपुर में पैसे की कमी के चलते एक ही परिवार के 3 बच्चों का भविष्य बिगड़ गया। बता दें कि आड़ावाल स्थित ज्ञानोदय स्कूल में फीस की मनमानी को लेकर शिकायतें थम नहीं रही हैं, जिसे संज्ञान में लेकर प्राइम टीवी ने प्रमुखता से खबर को दिखाया, जिसके बाद आज फिर एक पीड़ित परिवार सामने आया है, जिन्होंने स्कूल के ऊपर आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन ने उनकी बीमारी को दरकिनार करते हुए पैसे नहीं देने पर उनके 3 बच्चों का TC और मार्कशीट नहीं दी, जिससे बच्चों की 2 साल की पढ़ाई बर्बाद हुई है। उसके आने के बाद वो 60,000 फीस मांग रहे थे, तो हम बोले मैम इसका कंप्रोमाइज कर लीजिए, कुछ 30,000 रुपया ले लीजिए, बच्चे के आने दीजिए, क्योंकि बच्चे हमारा पढ़ा नहीं आपके स्कूल में। तो बोल रहा है कि तुम्हारा डायलिसिस हो रहा है, तुम अब बच्चे को मत भेजना, तुम अपना सरकारी स्कूल देख लो, तुम पैसा नहीं दे पाओगे। फिर बच्चे का निकाल दिए तो 1 साल मेरा बच्चे का बर्बाद गया स्कूल। उसके बाद फिर दूसरे जगह नीचे करके क्लास में नाम लिखवाए, यही है सर, ये 2 साल हो गया। वहाँ पी देते हैं या इस पेरेंट के बारे में मुझे इतना बताने के लिए मेरे पास अगर आने से
मैं देती हूँ, ये मेरे पास ऐसे आकर बताया नहीं होगा, मेरे पास प्रूफ है, कई बच्चों के दिए वाला प्रूफ मेरे पास है, तो ये आया नहीं होगा, आने से मैं देने वाली हूँ। 4 सालों से 5 सालों से बिना फीस से कोई पैसे पढ़ते हैं, उनका पेरेंट्स आकर पूछते हैं, उन लोगों को देते हैं, ये आया नहीं होगा। उसका कोरोना काल के समय तबीयत खराब था, कहना ये है, तो बच्चे फिर वो आया, बात किया नहीं हुआ, तो बैक क्लास में फिर से उसको पढ़ाना गया, जबकि बच्चों को प्रमोट होना चाहिए। जांजगीर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मोदी सरकार पर दबाव बनाकर भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा बीमा धारकों की पूंजी को निवेश कराने के खिलाफ भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा नैला जांजगीर के कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान केंद्र सरकार पर कांग्रेसी नेताओं ने जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार ने देश के लोगों को ठगने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। जीवन बीमा निगम के सामने कांग्रेस पार्टी और आम जनता के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। नरेंद्र मोदी के नीति को लेकर, नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाई हम दो हमारे दो के साथी अडानी जी अंबानी जी को जो खुद मार्टेज में रहकर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो जीवन बीमा और भारतीय स्टेट बैंक ने जो लोन दिया और लोन नीति के विरोध में दिया। यह बात सामने आई कि अडानी ग्रुप में LIC और SBI में जो जनता का जमा किया गया पैसा है, उन पैसों को शेयर में लगा दिया गया है, और जिस प्रकार से अडानी ग्रुप अब का शेयर और उसका पूरा साम्राज्य ढहते जा रहा है, तो हम सब यहाँ पर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर। बलौदा बाजार में शासन की ओर से दी जाने वाली अनुदान राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, जहां रंग रोगन के लिए हजारों रुपए निकाले गए, लेकिन ना ही रंग रोगन किया गया, ना ही सामान खरीदा गया। बता दें कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला विटकुली प्रधान पाठक ने रंग रोगन का फर्जी बिल लगाकर रुपए निकाल लिए। वहीं इसकी जानकारी मांगने पर संस्था प्रमुख प्रधान पाठक ने संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। अंबिकापुर के बनारस रोड में होली के दूसरे दिन सड़क जाम कर DJ बजाने की शिकायत पर पहुंची पुलिस कर्मियों से ही बदसलूकी की गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बनारस रोड नेशनल हाईवे के बीच सड़क जाम करके DJ लगाकर गाना बजाया जा रहा था, तभी पुलिस के मना करने पर कुछ युवक पुलिस कर्मियों से ही धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। में टेबल और कुर्सी को लेके रोड ब्लॉक करके DJ बजा रहे थे, तो उसी को शिकायत को संज्ञान में लेते हुए अपना गांधीनगर थाने का आरक्षक रवाना हो गया था और मौके पे पहुंचे और गंदा गंदे गाने बज रहे थे, तो उसको मना कर रहे थे, तो उसी के ऊपर वो लोग मारपीट किए और जान से मारने की धमकी भी दी, गाली गलौज भी किया, तो तुरंत उनको 4 लोगों को गिरफ्तार करके विधिवत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हाँ, और अन्य आरोपी का भी है, लेकिन उनका अभी जांच चल रही है। 147, 149, 341, 323, 506 जैसे अन्य धारा लगा है। अंबिकापुर के मैनपाट थाने में एक युवक के बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। युवक ने बताया कि वो और उसकी पत्नी एक निजी चिकित्सालय में वृत्त की नौकरी करते हैं और कुछ वर्ग विशेष के लोग चंगाई सभा में बीमारी ठीक होने का झांसा देते हुए धर्म परिवर्तन कराती हैं, जिसके चलते युवक के बेटे का भी धर्म परिवर्तन कराया गया। तो वहीं SDOP ने बताया कि आरोपों की जांच की जा रही है और जांच में आए तथ्यों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इसका नाम पुजारी है, उसका जबरन धर्मांतरण बर्मा के निवासी शिव प्रसाद सोनवानी तथा उसके पुत्र मनीष सोनवानी और उसकी पत्नी चंपाबाई सोनवानी के द्वारा कराई गई है। प्रथम दृष्टिया चूंकि यह मामला काफी लंबे समय पूर्व का था, इसलिए इसको अभी प्रकरण को जांच पर रखा गया है और जांच पर आए तथ्यों के अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उसके हाथ में
जी, जो प्रथम दृष्टया प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार पिछले वर्ष के कार्निवाल में उसके द्वारा धन्यवाद इशू का टैटू अपने शरीर। जगदलपुर में योग विज्ञान शिविर का आयोजन शुरू हो गया है। शिविर में बीपी, सुगर, तनाव, अनिद्रा आदि रोगों के लिए निदान योग और प्राणायाम कराया गया। बता दें कि यह शिविर शहर के मध्य कई स्थानों में आयोजित किया जा रहा है, तो वहीं हर शिविर में प्रशिक्षित योग टीचर के माध्यम से योग करवाया जाएगा। जगदलपुर के बाबू सिमरा गांव में 75 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया। वहीं समारोह में विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य है कि गरीब परिवार की बालिकाओं को शादी के लिए सहायता राशि प्रदान करना। और 64 जोड़े हैं जो हिंदू रीति रिवाज से शादी संपन्न किया जा रहा है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और गरीबों की माताओं को और बहनों को उनका जागरूकता के लिए और गरीब परिवार से जो माता पिता अपने बच्चों की विवाह संपन्न नहीं करा सकते उनको सामाजिक रीति रिवाज से कार्यक्रम आज यहां निश्चित है। थोड़ी देर के बाद हमारे वर और वधु हिंदू रीति रिवाज और क्रिश्चियन धर्म के अनुसार लगभग 67 जोड़े हिंदू विवाह हिंदू नीति रीति के अनुसार और लगभग 9 जोड़े क्रिश्चियन नीति रीति के अनुसार अभी दाम्पत्य जीवन में बंधने वाले हैं। यह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की महत्वाकांक्षी योजना है और इसके अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार सभी वर और वधु जो गरीब परिवार से हैं और जिनका विवाह हमारे द्वारा परियोजना अधिकारी एकीकृत। जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रही महिंद्रा बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित पत्थर से टकरा गई, जिसके बाद घटना में बस चालक समेत 21 यात्री घायल हो गए, जिन्हें सीआरपीएफ के जवानों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं सभी घायलों का प्राथमिक उपचार जारी है और पुलिस घटनास्थल की जाँच कर रही है। महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के बरबसपुर थाना में एक नाबालिग ने अधेड़ की हत्या कर दी। शराब के नशे में अधेड़ जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था, वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वहीं घटना की पुष्टि SDOP अजय शंकर त्रिपाठी ने की। बता दें कि खल्लारी थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।